नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि 20 फीट बाई 40 फीट यानी कि 30 फीट बाई 40 फीट में हमने एक बहुत ही खूबसूरत घर का नक्शा बनाया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आप 30 बाई 40 फीट के प्लॉट पर घर का यह नक्शा कैसे बनाएंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम घर के बाहर के डिजाइन की बात करते हैं, और उसके बाद हम आपको घर के अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कौन सा रूम कितने बाई कितने का दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम प्लॉट की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्लॉट की टोटल लंबाई 30 फीट यानी कि 30 फीट है, और यदि हम प्लॉट की चौड़ाई की बात करें तो आप चौड़ाई की डायरेक्शन में देख सकते हैं कि प्लॉट की टोटल चौड़ाई 40 फीट यानी कि 40 फीट है। प्लॉट के साइज के बाद यदि हम डिजाइन की बात करें तो घर का यह डिजाइन बनाने के लिए आपको घर के बाहर एक बरामदा बनाना होगा और बरामदे से सटा हुआ एक रूम बनाना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बरामदा बना हुआ है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम है, और बरामदे के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि आपको 3 कॉलम रखने होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं, तो इसी तरीके से आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। यदि हम कॉलम की हाइट की बात करें तो 8 फीट तक आपको कॉलम बनाना है, तो 8 फीट की ऊंचाई तक तीनों कॉलम बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से लिंटर बनाना है। और यदि हम लिंटर के डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्क मॉडल में लिंटर का डिजाइन बनाया गया है। तो ये आर्क मॉडल बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी मिस्त्री आराम से इस मॉडल को बना देगा। सिंपली आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिए कि हमें इस मॉडल में घर का बरामदा चाहिए। तो आर्क मॉडल में यह लिंटर बनाने के बाद पूरे घर की 10 फीट की ऊंचाई तक जितना एरिया बच रहा हो वहां पर आपको कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंटर आपका इंड होता है और यहीं से ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दिया गया, तो इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। नेक्स्ट, यदि हम कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत डिजाइनिंग दिख रही है। यदि हम इस डिजाइनिंग की बात करें तो इसको प्लास्टर करते समय बनाया गया है। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि बरामदे के फ्रंट का यह डिजाइन आपको किस तरीके से बनाना है। अब चलिए हम बरामदे से सटे हुए रूम की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। रूम के बिल्कुल फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि एक विंडो दी गई है, और विंडो के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि प्लास्टर करते समय एक पट्टी आपको बना लेनी है, और इसके साथ साथ विंडो के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सनसेट निकाल लेना है। और बरामदे से सटे हुए इस रूम को बनाते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि बरामदे से थोड़ा पीछे हटकर यह रूम बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बरामदे से 4 फीट 9 इंच पीछे हटकर यह रूम बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि स्लैब और इसके साथ साथ पैरापेट वॉल की यह डिजाइन आपको किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्लैब बनाते समय आपको थोड़ा आगे पीछे कर स्लैब की ढलाई करनी है, और इस आगे पीछे वाली स्लैब को बनाना बहुत ही आसान है। स्लैब की ढलाई करते समय सिंपली शटरिंग आगे पीछे करके कर दी जाती है, और उसी अनुसार स्लैब की ढलाई हो जाती है, और कुछ इस तरीके से आगे पीछे वाली स्लैब बनकर तैयार हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको आगे पीछे करके स्लैब को बनाना है, आप बिल्कुल सीधा स्लैब नहीं बनाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से रूम के सामने वाली भी स्लैब आपको बनानी है। स्लैब के बाद आप देख सकते हैं कि 3 फीट तक पैरापेट वॉल बनाई गई, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जहां जहां स्लैब को बाहर निकाला गया था केवल उसी एरिया में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्लैब बाहर निकली है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन तीनों जगह पर स्टेनलेस स्टील की ये वाली रेलिंग लगा दी गई, जो कि लगाना बहुत ही आसान है। मार्केट में ये रेलिंग मिलती है, और इसके साथ साथ इस रेलिंग को बेचने वाला जो मिस्त्री होता है वो आराम से आपके घर के माप के हिसाब से यह रेलिंग वेल्ड करके बना देगा। तो घर के बाहर की डिजाइनिंग आपको कैसे करनी है इसकी फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलिए हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा रूम कितने बाई कितने का दिया गया है। तो चलिए हम आपको घर के अंदर लिए चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये घर का बरामदा है, यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। यदि हम बरामदे के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 17 फीट 9 इंच बाई 11 फीट 9 इंच है। 17 फीट 9 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 11 फीट 9 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इस बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का किचन है। यहाँ पर वास्तु के हिसाब से घर का नक्शा बनाया गया है, इसलिए घर का जो किचन है वो बिल्कुल सामने पड़ रहा था। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस बरामदे से सटा हुआ गेस्ट रूम या फिर कोई और रूम बना सकते हैं, बट यहाँ पर किचन बनाया गया है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट है। 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी, और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है।
और किचन में बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि एक विंडो दी गई है, और इसके साथ साथ किचन में आने जाने के लिए आप देख सकते हैं घर के अंदर से डोर दिया गया है, और बरामदे की तरफ एक विंडो किचन में और दी गई है, और इसी बरामदे से आप देख सकते हैं कि घर का मेन गेट है, यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। तो घर के अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक पूजा रूम मिल जाएगा। यदि हम पूजा रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4 फीट बाई 12 फीट है, 4 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 12 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और पूजा रूम में ही आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ एक विंडो दी गई है जो कि बरामदे में खुलती है, और इसी पूजा रूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का पहला बेडरूम है। आप देख सकते हैं कि 10 फीट 11.5 इंच इसकी लंबाई है, और यदि हम चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 फीट है। और फर्स्ट बेडरूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का दूसरा बेडरूम है, यदि हम इसके साइज की बात करें 10 फीट 11.5 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 12 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि घर का तीसरा बेडरूम है, यदि हम इस बेडरूम के साइज की बात करें तो 11 फीट 6 इंच बाई 10 फीट है, 11 फीट 6 इंच यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और इसी रूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का स्टेयर है, यदि हम स्टेयर के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 फीट बाई 10 फीट 9 इंच में ये पूरा स्टेयर बना हुआ है। और यदि हम स्टेयर के डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ से आप घर की छत पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर लैंडिंग से होते हुए घर की छत पर पहुंच जाएंगे। और स्टेयर से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का बाथरूम है, यदि हम बाथरूम के साइज की बात करें तो 5 फीट बाई 10 फीट है, 5 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी और 10 फीट यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। और बीच में आप देख सकते हैं कि एक लंबा सा आंगन दिया गया है जिसकी यहां से लेकर यहां तक की टोटल लंबाई 5 फीट है। तो घर के अंदर और बाहर की फुल इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि घर चारों तरफ से कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि घर बिल्कुल सामने से कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसके साथ साथ यदि आप थोड़ा साइड से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और यदि हम बरामदे के थोड़ा कॉर्नर से देखें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे के कॉर्नर से आपको घर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपको यह डिजाइन अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप भी घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं, धन्यवाद।